tells us, और बाइबल हमें कहती love your enemies. कि अपने दुश्मनों से भी प्यार करो. I know, naturally, it is not possible. मैं जानता हूँ कि नैसर्गिक तौर से ये करना मुमकिन नहीं है. God is not telling the natural people. और परमेश्वर ये बात नैसर्गिक लोगों से नहीं कह रहा है. Because even if they try to do it, क्योंकि यदि वो कोशिश भी करें, they'll not be doing it living in Christ. फिर भी मसीह में रहकर वो ये काम नहीं कर पाएंगे. Or living by the nature of Christ. या परमेश्वर के स्वभाव से ये काम नहीं कर पाएंगे. They'll be doing out of compulsion. वो इसलिए करेंगे क्योंकि उन पर जबरदस्ती की गई है. But that is not the natural way they live. पर उनके जीने का नैसर्गिक ढंग ये नहीं होगा. Because Christ is the life that we live. क्योंकि हम जो जीवन जी रहे हैं वो मसीह वाला जीवन है. Scriptures are for us. इसलिए ऐसे जो वचन हैं वो हमारे लिए हैं. Amen. Amen. But what we have done is we have used the scriptures for the unbelievers. पर हमने इन वचनों का इस्तेमाल अविश्वासियों के लिए किया है. This is not for the unbelievers. और ये बात अविश्वासियों के लिए नहीं है. Even if they do, यदि वो करें भी, they're just acting. तो वो केवल नाटक कर रहे हैं. Acting out the flesh. वो नाटक कर रहे हैं, अपनी ताकत से ये काम कर रहे हैं. Not the real nature of Christ. पर उनका असली स्वभाव ऐसा नहीं है जैसे मसीह का है. The real living is Christ living. जो असली जीना है वो मसीह वाला जीवन है. ये हमेशा याद रखिए. The real living which heaven wants us to live is Christ living. और असली जीवन जो स्वर्ग चाहता है हम जिए वो मसीह का जीवन है. Amen. Amen. If you want to please God, you have to live Christ life. अगर आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप मसीह वाला जीवन जिए. If you want to imitate anyone, you have to imitate Christ. यदि आपको किसी की भी नकल करनी है तो आपको मसीह की नकल करनी चाहिए. Amen. Amen. Okay. So let us read this verse. तो आइए हम ये वचन पढ़ें. Luke 6:35. और लूका 6:35. Love your enemies. अपने दुश्मनों से प्यार करो. See, this is not the natural human living. और ये नैसर्गिक इंसानी जीवन नहीं है. It is Christ living. ये मसीह वाला जीवन है. Amen. Amen. Okay. Love your enemies. अपने दुश्मनों से प्यार करो. Do good to them. और उनसे अच्छा बर्ताव करो. And look at this. And lend to them. Give to them. उन्हें दीजिए. Hoping for nothing in return. और फिर बदले में आशा मत कीजिए कि आपको भी कुछ मिलेगा. You know, first and foremost, love your enemies. वही difficult है. और सबसे पहला जो वाक्य है कि अपने दुश्मनों से प्यार करो, यही इतना मुश्किल है. Secondly, do good to the enemies. और दूसरा लिखा है कि दुश्मनों के साथ भी अच्छा बर्ताव करो, उनके साथ भी भलाई करो. वो थोड़ा कठिन हो रहा है ना? And then lend to them also. और फिर आगे लिखा है कि उन्हें उधार भी दो. And without expecting any return from them. और जब देते हो तो बदले में कुछ पाने की अपेक्षा मत रखो. Don't get angry. गुस्सा मत करो. I know this is not our life. मैं जानता हूँ कि हमारा जीवन नहीं है. But this is Christ life. पर ये मसीह का जीवन है. Amen. Amen. That's the way God behaves with us. और इसी तरह से परमेश्वर हमारे साथ बर्ताव करता है. He behaves with the enemies. और उसी तरह से परमेश्वर अपने दुश्मनों से बर्ताव करता है. Amen. If he is telling us something, that means that is the way he is. यदि परमेश्वर हमसे कुछ करने के लिए कहता है, इसका मतलब है कि परमेश्वर खुद भी वैसा है. Amen. Amen. And we think प्रभु आशीर्वाद नहीं करेगा, प्रभु गुस्से में. See, I don't know where this kind of teachings is come. When he is telling us to do, why? Because we have Christ nature in us, that is God's nature in us. How can we say that he doesn't do all this? जब परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर है और परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम दुश्मनों से भी प्यार करें, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर गुस्सा है या परमेश्वर प्यार नहीं करता है? Okay, and your reward shall be great. और फिर आपका प्रतिफल बहुत बड़ा होगा. Look at this. You know, if you read a little further before we go to this message, let's read a little further. आइए हम आगे भी पढ़ें. You know, Luke 6. लूका 6. Yes. 32-33 you read there. और 32-33 भी आयत हम पढ़ेंगे. If you love only those who love you. यदि तुम उन्हीं लोगों के से प्यार करते हो जो तुमसे प्यार करते हैं. What benefit do you have? तो फिर इसमें तुम्हारा क्या फायदा या तुम इसपे क्या बढ़ाई कर सकते हो? Even the sinners love those who love them. क्योंकि पापी लोग भी ऐसा करते हैं कि जो उनसे प्यार करते हैं उन्हीं से वो प्यार करते हैं. Differentiating between them and you. तो प्रभु यहाँ पर फर्क बता रहे हैं कि पापियों में और हमारे में क्या फर्क है? अगर तुम प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करता है, तुम देते हो जो तुमको देता है, तो क्या फर्क है तुम्हारे में उनमें? प्रभु चाहता है कि तुमको फर्क दिखना चाहिए. ये प्रभु का जीवन और वो प्रभु विदाउट जीवन. Amen. There's a difference. और ये जीवन में फर्क है. See, God wants. See, then when you give to someone expecting nothing in return, or because he cannot give you back, then your reward
is great. और यहाँ पे लिखा है कि जब तुम किसी को देते हो बगैर बदले में कुछ पाने की आशा रखते हुए, फिर तुम्हारा प्रतिफल बड़ा होगा. Amen. Amen. See this. अगर तुम मैं किसको दो, ये देगा वापस. इसका पगार अच्छा है, एले दे रहा हूँ, 1000 दे रहा हूँ, 1200 वापस दे. कुछ नहीं रिवॉर्ड तुमको, स्वर्ग देखता भी नहीं हो. Heaven doesn't see this. स्वर्ग ये बातें नहीं देखता. हेलो, वो तुम्हारा लेन देन आपस में चल रहा है. अनबिलीवर लोग भी करते हैं उल्टा. अनबिलीवर 1200 नहीं 1000 ले लेगा, या 900 भी ले सकता है. सो हेवन इज नॉट अट्रैक्टेड. तो स्वर्ग इन बातों से आकर्षित नहीं Only होता. क्राइस्ट लाइक नेचर इफ यू लिव, हेवन इज अट्रैक्टेड. पर जब हम मसीह वाला स्वभाव जीते हैं, फिर स्वर्ग हमें देखकर आकर्षित होता है. Amen. Amen. I don't know how much we have accumulated in heaven. और मुझे नहीं पता कि हम स्वर्ग के हिसाब से कितना खुद को ढाल रहे हैं. Because if we live that natural life, क्योंकि यदि ये नैसर्गिक जीवन आप जिए, then we receive no rewards. तो फिर हमें कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा. If you only do good to those who do good to you, और यदि तुम उन्हीं लोगों के साथ भलाई करते हो जो तुम्हारे साथ भलाई करते हैं, why should you get anything? Why should you get the credit? तो फिर तुम्हें क्यों बदले में प्रतिफल मिलना चाहिए? Even sinners do that. क्योंकि पापी भी ऐसे करते हैं. See what the Lord is saying. देखिए प्रभु यहाँ पर क्या कह रहे हैं. Amen. Means the Lord doesn't want us to live that way. That is a natural human living. इसका मतलब है कि साफ-साफ प्रभु कह रहे हैं कि प्रभु अब नहीं चाहते हैं कि हम वो नैसर्गिक जीवन जिएं. We are living the high life. हम वो ऊपर श्रेष्ठ जीवन जी रहे हैं. That Christ life. जो मसीह का जीवन है. If you lend money only to those who can repay you, what is the credit there? What is the advantage there? There is no benefit for you. यदि आप उन्हीं लोगों को उधार देते हैं जो बदले में आपको वापस लौटा सकते हैं, तो फिर इसमें आपका क्या फायदा? इसमें आप बढ़ाई नहीं कर सकते. Don't expect any reward. फिर कोई अपेक्षा मत कीजिए कि आपको बदले में स्वर्ग से प्रतिफल मिलेगा. प्रभु मैं दिया नहीं, प्रभु देखा भी नहीं हो. हेलो. ओके, दैट इज नॉट माय मैसेज. विल गो हियर. और ये मेरा संदेश Love your enemies. और आगे लिखा है कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम रखो. If you have been ill-treated by someone, यदि किसी ने आपसे बुरा बर्ताव किया है, we pass through this journey like, and some people may ill-treat you. और जीवन के ऐसे सफर से हम गुजरते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमें ठेस पहुंचाएगा, हमसे बुरा बर्ताव करेगा. Many of us at one time or the other have suffered some sort of ill-treatment. और हमने देखा है कभी ना कभी जीवन के सफर में किसी ने हमारे साथ बुरा बर्ताव किया है. जीवन के सफर में ऐसा लोगों ने बोला रहेगा, और इनजस्टिस नॉट टुवर्ड्स अस. But how does God expect us to respond? तो ऐसे समय में प्रभु क्या अपेक्षा करता है कि हम बदले में कैसे बर्ताव करें? In such a situation. ऐसे जब हालात आते हैं. Let us see from the word. आइए हम वचन से देखें. It says in James 5:13. और याकूब 5:13 में लिखा है. Is anyone among you ill-treated? कि क्या तुम में से किसी के साथ बुरा बर्ताव हुआ है? Or suffering because someone has ill-treated you? या तुम पीड़ित हो क्योंकि किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया है? You should pray. तो फिर तुम प्रार्थना करो. See, look at this. You need to pray. तो ऐसे समय के लिए, ऐसे लोगों के लिए तुम्हें प्रार्थना करनी है. That's what God says. और यही परमेश्वर कह रहे हैं. If someone ill-treats you, pray. यदि कोई तुम्हारे साथ गलत बर्ताव करता है, तो उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो. That's what I do. और यही मैं करता हूँ. Someone ill-treats, we pray. यदि कोई मेरे साथ बुरा बर्ताव करता है, तो मैं प्रार्थना करता हूँ. The same what Jesus said in Luke 6:28. और यही बात यीशु ने लूका 6:28 में कही. Pray for them. कि उन लोगों के लिए प्रार्थना करो. That despitefully use you. जो तुम्हारा गलत फायदा उठाते That हैं. means God is aware of people hurting you. इसका मतलब है कि परमेश्वर को अच्छे से पता है कि कोई ना कोई आपको नाराज करेगा, आपको ठेस पहुंचाएगा. Persecution does not only come from the world. और छल केवल दुनिया से ही नहीं आता. In fact, I have seen more persecutions coming within the family. और इसके बजाय मैंने देखा है कि सबसे ज्यादा छल और तकलीफ परिवार में से ही आता है. But we need to respond properly. पर हमें अच्छे से बर्ताव करना सीखना होगा. और ये बहुत जरूरी है. Holy Spirit emphasized a few things in this which is very important. और कुछ बातों पर पवित्र आत्मा ने जोर दिया है जो बहुत जरूरी है. Now, when people ill-treat you, जब लोग आपसे बुरा बर्ताव करते हैं, God doesn't want us ask us no to feel that self-pity. तो परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम उस समय में खुद पर तरस खाएं. You know, Don't pity yourself. खुद पर तरस मत खाइए. No, don't carry that. बुरा मत मानिए, खुद पर तरस मत खाइए. Don't pity yourself because someone has ill-treated. और क्योंकि किसी ने आपसे बुरा बर्ताव किया है, तो खुद पर ज्यादा तरस मत खाइए. Don't complain. और कुड़कुड़ाइए मत. Or get bitter.
या कड़वे मत हो जाइए। And those who mistreat you, उन लोगों के प्रति जो आपसे बुरा बर्ताव करते हैं, you have an option, आपके पास विकल्प हैं। And that option is to pray. और वो विकल्प है कि आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। Your option is not to become angry. आपका सही विकल्प ये नहीं है कि आप उन पर गुस्सा करें या आप कड़वे हो जाएं उनके लिए। Even if you are angry, यदि आप गुस्सा भी हैं, because someone has hurt you, क्योंकि किसी ने आपको ठेस पहुंचाया है, though you are doing godly things, भले ही आप अच्छे काम, दैविक काम कर रहे थे, and we get angry. और फिर हमें गुस्सा आता है। It is right to get angry. गुस्सा करना ठीक है। Because it's God given. क्योंकि ये स्वभाव ही परमेश्वर ने दिया है। We cannot be passive. हम हमेशा चुप रह नहीं सकते, यूं ही सहन नहीं कर सकते सब कुछ। प्रभु के नाम पे कोई ऐसा बोला, ऐसा मत करो, ये मत करो, चर्च मत जाओ, नहीं ऐसा, नो, नहीं, ये टेक अ स्टैंड। और वहां पर सही के लिए ठहरिए। नाउ, आवर ऑप्शन इज प्रेयर। हमारा विकल्प है कि हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। आमेन। आमेन। दो इट इज टेम्प्टिंग टू रिएक्ट द ऑपोजिट वे। और हम जानते हैं कि प्रार्थना को छोड़ हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि हम उन पे गुस्सा करें, हम कड़वे हो जाएं। We think that is the right way. और हमें लगता है कि वो सही तरीका है। If you are mistreated, we want to react in the negative way. यदि आप पे कोई आपसे कोई बुरा बर्ताव करता है तो हम गुस्सा करना चाहते हैं। Some may even try to retaliate. और कुछ लोग बदले में कुछ कहना भी चाहते हैं। We may try to mistreat them. या हम भी बुरा बर्ताव करने की कोशिश करते हैं। And in this process we are trying to be different than Christ like. पर ऐसा करते हुए हम मसीह के जीवन को छोड़ नैसर्गिक जीवन जिएंगे। Never allow someone's bad behavior change who you are in Christ. और किसी के भी बुरे स्वभाव के कारण मसीह की जो पहचान आप में है उसको मत बदलने दीजिए। You have a good character. आपका स्वभाव, आपका चरित्र अच्छा है। You have Christ nature. आपके पास मसीह का स्वभाव है। Don't let anyone by mistreating you change that good nature of yours. और किसी के भी बुरे बर्ताव को आपके स्वभाव या आपके चरित्र को बदलने मत दीजिए। Amen. Amen. देखो, ये सब चीज तुमको बदलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। The devil use all this mistreatment to change your good conduct. और शैतान इन सभी तकलीफों का इस्तेमाल करता है ताकि हमारे स्वभाव को वो बदल सके। To change the good person you are. ताकि जो आप अच्छे इंसान हैं आप में से वो अच्छाई बाहर निकाले। You have to live that good person. पर हमें उसी अच्छाई में रहना है। That's your strength. और यही आपकी ताकत है। Amen. Amen. Hello. Are you seeing this? क्या आप ये देख रहे हैं? These things are trying to change the good conduct, the good character, the good nature of Christ in you. और ये सभी नकारात्मक बातें आपके अच्छे स्वभाव को, अच्छे चरित्र को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। The devil doesn't like that good nature in you. क्योंकि शैतान को आपका अच्छा स्वभाव पसंद नहीं है। You are a good person. आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। But these things can make you a bad person. पर यही सभी बातें आपको बुरा इंसान भी बना सकती हैं। Amen. Amen. Because if you react the way they ill-treated you, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बुरा बर्ताव किया यदि बदले में आप भी बुरा बर्ताव करें, changing your good nature, your good conduct, your good character into bad. फिर आप अपने अच्छे स्वभाव को, चरित्र को बुरे में बदल रहे हैं। Amen. Amen. No, I will hold on to Christ. तो आपको कहना है नहीं, मैं मसीह के स्वभाव में रहूंगा। Amen. मैं चेंज नहीं होगा। मैं तुमको बदलूंगा, पर मैं बदलने वाला नहीं हूँ। Now, if you are bad, then you change. यदि आप बुरे हैं तो फिर आपको बदलने की जरूरत है। But you're good. पर यदि आप पहले से ही अच्छे हैं, Don't let something bad make you bad. तो फिर किसी बुरी बात को खुद को बदलने मत दीजिए। Amen. Amen. Good is always better. और भलाई हमेशा अच्छी होती है। It's more powerful. बहुत सामर्थ्यशाली होती है। Amen. Amen. Nothing can come against your good. और कोई भी बात आपकी भलाई के विरोध में नहीं ठहर सकती, क्योंकि हमारे अंदर मसीह का स्वभाव है। So stick on to this good. इसलिए इस भलाई से चिपके रहिए। You are good. आप अच्छे हैं। Because you have the nature of Christ. क्योंकि आपके पास मसीह का स्वभाव है। Your character is good. आपका चरित्र अच्छा है। Amen. Amen. So let anyone say anything. इसलिए चाहे दुनिया के लिए कुछ भी क्यों ना कहें। You will not change and become bad. आप खुद को बदलेंगे नहीं, आप बुरे इंसान नहीं बनेंगे। I will face that with my goodness. अपनी अच्छाई से, अपनी भलाई से इन सभी बातों का मैं सामना करूंगा। With the nature of Christ. जो मसीह का स्वभाव मेरे अंदर है। Maybe you were nice to some people. हो सकता है कुछ लोगों के साथ आप बहुत अच्छे थे। But they treated you unfairly. पर बदले में उन्होंने आपसे बुरा बर्ताव किया। Still show that love. फिर भी अपना प्रेम दिखाते रहिए। Otherwise you'll move out
out of Christ. नहीं तो फिर आप मसीह के स्वभाव से बाहर निकल जाएंगे. You have to stick on or live in Christ. आपको मसीह में ही हमेशा रहना है. That's what the Bible says. और यही बाइबल कहती है. We live in Christ. हम मसीह में हैं. Amen. We live in His nature. हम मसीह के स्वभाव में जीते हैं. We live in His goodness. हम मसीह के भलाई में जीते हैं. हम मसीह के करुणा में जीते हैं. हम मसीह के करुणा में दया में जीते हैं. उसके कृपा में जीते हैं. We won't move. हम वहां से नहीं हटेंगे. Amen. Amen. हम अच्छाई से हटने वाले नहीं है. और तुम ऐसा रहा तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा. कोई कुछ नहीं कर सकता है. Amen. Let them say anything, nothing will happen. चाहे लोग कुछ भी क्यों ना कहे, कुछ नहीं होगा. But only when we move out of the nature of Christ. पर जब हम मसीह के स्वभाव से बाहर निकलते हैं, then problems happen. फिर परेशानियां होती हैं. Amen. Amen. So see, now we have this option. इसलिए हमारे पास ये अच्छा विकल्प है. Because of Christ, मसीह के कारण, we are good. हम अच्छे हैं. Amen. Amen. And we will not retaliate the way they are. और इसलिए जिस तरह से उन्होंने बर्ताव किया है, बदले में हम उस तरह से बर्ताव नहीं करेंगे. What we should do? Love our enemies. इसीलिए यहाँ पे जो लिखा है, हम वही करेंगे कि अपने दुश्मनों से भी प्यार करो. Then you stick on to Christ. और फिर आप मसीह से चिपके रहिए, वहीं पे बने रहिए. Amen. And you give glory to His name. और प्रभु के नाम को महिमा दीजिए. Suppose उन्हें तुमने पर विरुद्ध बात किया, ये क्या हो गया, मैं तुम्हारा रिस्पॉन्ड प्रभु जैसा है तो तुम्हारे को कोई कुछ नहीं कर सकता. Devil can do nothing. फिर शैतान कुछ नहीं कर सकता. And you will not move out from Christ. और फिर आप मसीह से बाहर नहीं निकलेंगे. Amen. Amen. And you are building your life in Christ. और इसी तरह से आप अपने जीवन को मसीह में बांध रहे हैं. You cling on to Christ. आप मसीह से चिपके रहिए. This is my nature. और यही मेरा स्वभाव है. I will not change. मैं बदलूंगा नहीं. You know the Bible says, it's the goodness of God that change people. और बाइबल कहती है कि परमेश्वर की भलाई लोगों को बदलती है. Yeah. It's the goodness of God that people repent. और परमेश्वर की भलाई को देखकर जो पापी है वो प्रायश्चित करते हैं. So it's your goodness that will change them. इसीलिए आपकी भलाई से भी लोगों के बर्ताव में बदलाव आएगा. Amen. Amen. It's your goodness that will change them. आपकी भलाई उन्हें बदल देगी. We are here for that reason. हम इसी कारण के लिए यहाँ पर हैं. They will change because of our goodness. और हमारी भलाई को देखकर लोग खुद को बदलेंगे. Amen. Amen. तुम्हारा नुकसान कभी नहीं होगा. But if you behave like them, पर यदि आप भी उनकी तरह ही बर्ताव करते हैं, you will receive their flawed nature. तो फिर उनका जो बुरा स्वभाव है, वही आपका स्वभाव बन जाएगा. हाँ, did you understand this? क्या आपको ये समझ में आ रहा है? उन लोग जैसा बर्ताव कर रहे हैं, अगर तुमने वैसा ही रिस्पॉन्ड दिया तो उनका ऐसा तुम हो जाएगा. हेलो, whatever they do and you do the same, you'll become like them. यदि उन लोगों की तरह आप भी बर्ताव करते हैं, तो फिर आप उन लोगों की तरह बन जाएंगे. You're going out of the character of Christ. फिर आप मसीह के स्वभाव से बाहर निकलते हैं. The question you need to ask is this. आपको ये सवाल खुद से पूछना है. You know, the thought will come. आपके मन में विचार आएगा. और मैं इतना मदद करके भी उसने ऐसा किया. So you must say, मैंने मदद किया, वो अच्छा किया. See, that's the part of Christ's nature. और ये मसीह के स्वभाव का एक भाग है. Amen. Amen. Don't say like this, you know, मैं अच्छा करके भी उसने ऐसा किया. अच्छा करने का तुम्हारा गुण है. Hello, you're not doing anything out of the way. आप कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं. See, but the devil puts this thought. पर शैतान ऐसे विचार हमारे मन में डालता है. अच्छा करके भी, you did good, but yet you did bad. कि तुमने इतना अच्छा किया, फिर भी उसने तुम्हारे साथ बुरा किया. No, say that. Yeah, I did good. That is my nature. तो कहिए कि हाँ, मैंने अच्छा किया. ये तो मेरा स्वभाव है, ये मेरा कर्तव्य है. Amen. Amen. See, that's the way I live. इसी रीति से मैं जीता हूँ. Amen. But don't say like this. I did good, but yet you did bad. पर ऐसी बातें मत बोलिए कि मैंने उससे इतना अच्छा किया है, फिर भी उसने मेरे साथ बुरा किया है. Then you're becoming like him. फिर आप उसकी तरह बन रहे हैं. Amen. Amen. Not to become like them, you stand by own good character of Christ. यदि आप उनकी तरह नहीं बनना चाहते हैं, तो आप मसीह के स्वभाव में बने रहिए. So was it right that you did good? तो जब आपने उनके साथ अच्छा किया, तो क्या आपने सही किया? सही किया? Yes. हाँ, सही किया. But the real reason, तुम सही नहीं किया, क्योंकि तुम अच्छा किया तो उसने बुरा किया, तो तुमने सही नहीं किया. बोलो, नहीं, मैं सही किया. Hello. See, the world will not accept this. और दुनिया ये बातों को नहीं स्वीकारेगी. But you should say, yeah, I did good, he did bad to me, but what I did was right.
आपको कहना चाहिए कि हाँ मैंने अच्छा किया, उसने बदले में मेरे साथ बुरा किया, पर जो मैंने किया है वो सही किया है। हेलो, इज इट इट? क्या ही सही है? व्हाट आई डिड वाज राइट। जो मैंने किया वो सही है। जो उसने किया वो गलत किया, वो उसका है। मेरा क्या है? प्रभु यीशु मेरे में, इसके लिए मैंने सही किया। So you are blessed. इसलिए आप आशीर्वादित होते हैं। You did good. आपने अच्छा किया। Amen. See, Jesus did good to all. और यीशु ने सभी लोगों के साथ भलाई की। The Bible says in Acts 10:38, he went about doing good. और बाइबल कहती है प्रेरितों के काम 10:38 में कि प्रभु भलाई करते गए सभी लोगों के साथ। Doesn't it say? क्या बाइबल यही कहती है? He went about doing good. कि प्रभु ने सभी लोगों के साथ भलाई की। But did they do good? पर क्या बदले में उन्होंने यीशु के साथ भलाई की? Did the Lord say, मैं इतना करके भी उन लोग ऐसा नहीं है। वो उसका नेचर है वो गुड करने का। Amen? वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं गुड किया तू भी गुड करा, ऐसा नहीं है। हेलो, दैट इज योर नेचर टू डू गुड। ये आपका स्वभाव है कि आप अच्छा करें। यू आर नॉट डूइंग समथिंग ग्रेट। आप कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। दैट इज योर नेचर। ये तो आपका स्वभाव है। Amen? That's why when Jesus did good, he didn't expect them to do good to him. इसलिए प्रभु ने जब भलाई उनके साथ की तो अपेक्षा नहीं की कि वो भी मेरे साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। So let us learn these things. तो आइए ये बात हमारे प्रभु से ये सीखें। I will keep doing good. कि मैं तो अच्छा ही करता रहूंगा। Even if people do bad. चाहे लोग मेरे साथ बुरा बर्ताव क्यों ना करें। I will not let them change my nature. मैं किसी को भी ये अनुमति नहीं दूंगा कि वो मेरी अच्छाई को बदले। And even if I do good and they do bad, yet I will keep doing good. और यदि मैं अच्छा करता हूँ बदले में लोग मेरे साथ बुरा करते हैं फिर भी मैं अच्छा ही करता रहूंगा। And even if they didn't do good to me, yet what I did is right. यदि वो बदले में मेरे साथ अच्छा ही नहीं करते हैं तो मैं जानता हूँ जो मैंने किया वो सही है। Amen. Amen. That's the way you protect yourself and remain in Christ. और उसी तरह से आप खुद को सुरक्षित रखते हैं और मसीह में बने रहते हैं। And the devil can do nothing. और फिर शैतान कुछ नहीं कर सकता। Because he's seeing is you're holding on to Christ. क्योंकि शैतान भी देखता है कि आप मसीह को थामे रहते हैं। Amen. Amen. Now let's read Luke 6:28 to 35 and we'll close. आइए हम पढ़े लूका 6:28 से 35। No matter how you are treated, चाहे आपसे कोई कैसा भी बर्ताव क्यों ना करे, maintain the Christ attitude. और मसीह के स्वभाव को बनाए रखिए। He said, bless them that curse you. और जो तुम्हें श्राप देते हैं उन्हें आशीर्वादित कीजिए। Means you don't change. इसका मतलब है कि तुम खुद को मत बदलो। वो कर्ज क्या, मैं भी कर्ज कर, नहीं, मैं ब्लेस करने वाला हूँ और मैं ब्लेस करूंगा, और ब्लेस किया और उसने कर्स किया फिर भी मैं राइट हूं और मैं बनने करूंगा, बिकॉज दैट इज माय नेचर, क्योंकि ये मेरा स्वभाव है। ठीक है, वेदर पीपल रिस्पॉन्ड राइट वे और नॉट, चाहे लोग मेरे साथ सही बर्ताव करें या बुरा बर्ताव करें, माय क्राइस्ट रिस्पॉन्स, पर मेरा मसीह वाला प्रतिसाद यही होगा। He said, bless them that curse you, और बाइबल कहती है कि जो तुम्हें श्राप देते हैं उन्हें आशीष दो, pray for them which despitefully use you, और जो तुम्हारा गलत फायदा उठाते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, and those who smite you in one cheek, you turn other, so all these things. और जो तुम्हें सताते हैं, तुम्हें तकलीफ देते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो। Give to every man that asks. और जो भी मांगता है, उन्हें दो। Love your enemies. अपने शत्रुओं से प्रेम करो। And do good to them. और उनके साथ भलाई करो। For you are the children of the highest. क्योंकि तुम परम प्रधान के संतान हो। Amen. Amen. You are the children of the highest. आप परम प्रधान के संतान हो। For he is kind unto the unthankful and to the evil. क्योंकि जो धन्यवाद देते हैं और जो बुरे हैं सभी के प्रति प्रभु कृपालु हैं। This is his nature. और ये परमेश्वर का स्वभाव है। And you have his nature. और हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव है। You are expressing God. आप परमेश्वर को प्रस्तुत करते हैं। Amen. Amen. You become so powerful. आप इतने सामर्थ्यशाली होते हैं। The devil will fear you. फिर शैतान आपसे डरेगा। Amen. Amen. Hello, understood? क्या आपको ये समझ में आया है? You will not change. तो आप खुद को नहीं बदलेंगे। तुम अच्छा करेगा, भले लोगों ने बुरा किया, तुम बदलेगा नहीं और अच्छा करते ही रहेगा। लोग करो या मत करो, that is your God's nature. और ये परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर है। Because you're the child of the Most High God. क्योंकि आप परम प्रधान के संतान हो। Amen. Amen. Okay, let's stand up. आइए हम सब खड़े।